वेटरन एक्टर नाना पाटेकर और फिल्म मेकर विकास बहल के बाद अब संस्कारी एक्टर के नाम से मशहूर फिल्म और टीवी एक्टर आलोक नाथ पर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के आरोप लगे हैं। 90s के पॉपुलर टीवी शो की राइटर और प्रोड्यूसर विंदा नंदा ने अपने एक फेसबुक पोस्ट के साथ अपने शो के लीड एक्टर यानी आलोक नाथ को अल्कोहलिक कहने के साथ ही अपने शो की लीड एक्ट्रेस के साथ बार बार बुरा सलूक करने की बात कही है। विंदा ने आलोक पर एक पार्टी से लौटने के दौरान उनसे रेप करने की बात भी कही है। कि जब इस मैटर पर जूम रिपोर्टर रुद्रानी चतुराज ने आलोक नाथ से बात की तो फोन कॉन्वर्सेशन के दौरान आलोक ने कहा my point of view, it is something which is a fragment of a certain, very insipid imagination from a person who, for whom I did a lot of things in life. In any case, I don't want to discuss it right now, but I'm going through this also, and maybe I'll digest the whole thing, and maybe when I have clarity of mind and perspective, then I'll speak about it. But right now, it's too early to kind of, give any justification to the whole scenario. You just said that, you were horrified, when you read it, even you found it horrifying. Absolutely horrifying. If I am involved, so double horrifying. If for anybody else, still horrific. दूसरी तरफ आलोक नाथ पर लगे इन एलिगेशंस के बाद रिचा चड्डा, स्वरा भास्कर और मिनी माथुर जैसी सेलिब्रिटीज ने भी अपने व्यूज शेयर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।